फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बना जा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। बेसन के लड्डू तो आपने बहुत खाई होगी, पर आज हम बना रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। तो बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें ज़्यादा घी लगती है, तो मैं इसमें कम से कम बेसन के आधे हमें घी डालना होता है ताकि हमारा पूरा बेसन भीग जाए। बेसन घी हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना ज़्यादा गर्म करने के बाद जब हम बेसन डालेंगे तो पहला हमारा बेसन जल जाएगी। इसलिए हम बस घी मेल्ट होने के बाद ही जस्ट आफ्टर तुरंत हम बेसन डाल देंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। हमें चाशनी भी बनानी है, तो इसके लिए मैं इसमें ले रही हूँ 1 कप चीनी, और इसमें मैं आधा कप अंदाज अनुसार पानी डाल दूँगी और मैं उसे उस चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। अब हमारा घी मेल्ट हो चुका है तो हम तुरंत इसमें ये बेसन डालकर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा बेसन घी के साथ अच्छे तरह से मेल्ट हो चुका है। पूरी ये घी से भीगी हुई है, इसी तरह हमें करना है। और इसे हम स्लो फ्लेम में इसे 5-10 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये फिर से पिघल कर अपना घी ना छोड़ने लग जाए। ये जब अपना घी छोड़ने लग जाएगी तो आप समझ जाइए कि ये भून कर तैयार है। तब तक हम इसे ऐसे ही धीरे धीरे लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे। देखिए, मुझे चलाते हुए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब ये बेसन घी से अलग हो होने लग गई है। ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा चीनी का जो चाशनी बनाया था हमने, 2 तार की बनानी है। आइए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इसे मैं अब बंद करके अलग रख दूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। ये मैंने 1 कप बाउल में आधा कप पानी डालकर इसे 2 तार की चाशनी बनाने को रख दी हूँ। अब ये उबल रही है, हम इसे अच्छे से 2 तार की चाशनी बना लेंगे। देखें, हमारा चाशनी उतर उबलने लग गई है, बड़े बड़े बुलबुले हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ये बन जाएगी, मैं आपको बताऊंगी ये बनी क्या नहीं बनी आपको कैसे पता चलेगा। हमारा चाशनी बनकर तैयार है। हम इसे चेक इस तरह करेंगे कि पानी के बीच में इसे डालेंगे और वो जाकर बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। इसका मतलब है वो हमें दिखती हुई है कि हमारी चाशनी बैठ गई, जिसका मतलब है कि वो बन गई है। हम ऐसे बंद कर दूंगी और ठंडा। अब मैंने वापस से कढ़ाई वहाँ पर रख दी है, चूल्हे पर रख दी है ऑन करके। अब इस हम चाशनी को इसमें मिक्स करेंगे धीरे धीरे और इसे चलाएंगे। इसमें बबल निकलेगी, इसे हम आधा थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। अब इसमें सारा चाशनी डाल देंगे जो हमने बनाई थी, और इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और हम इसे अच्छे से 5 मिनट तक और चलाएंगे। मैंने थाली में घी लगाकर ग्रीस करके रखा हुआ था। अभी हमारा बैटर तैयार है। मैंने आधी ही थाली में लगाई है क्योंकि मेरा बैटर थोड़ा सा है, तो मैं इसमें फैला दूंगी अच्छे से। और 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं इसे बर्फी के आकार में या आप जिस साइज में मन करे उस साइज में आप इसे शेप को देकर काट सकती हैं। देखिए, मैंने आधी थाली में फैला दी है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट अभी ही ऐसे डाल दूंगी और इसे सेट होने के लिए रख दूंगी 1-2 घंटे। रूम टेम्परेचर में ही डालना है, फ्रिज में नहीं रखना हमें। और फिर मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। मेरे पास थोड़ा मैंने बैटर बनाया थी तो मैंने आधी थाली में ही लगाया ग्रीस। आपको अगर ज़्यादा आपने बनाई है तो आप फुल थाली में इसे, चाहे तो फुल थाली में आप इसे सेट करें। अब मैं इसे ऐसे कर कर रख दूंगी 2-3 घंटे के लिए। देखिए, हमारी बर्फी बेसन की बर्फी बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा बर्फी पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।